एचएनआई लाइव बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिनेश शुक्ला, एक बार फिर हाजिर हूं हर खबर के साथ। आज की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पहली सबसे बड़ी गांधी परिवार से जुड़ी राजनीतिक पार्टी रही, जिस गांधी परिवार की एक के बाद एक देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिसके बाद से गांधी परिवार को एसपीजी की सुरक्षा मिली, जिसे आज की बीजेपी मोदी सरकार ने सोनिया गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा को हटाया, जिसके चलते देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा हटाने को लेकर महाराष्ट्र के थाने में नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। थाने से एचएनआई लाइव की रिपोर्ट। अकरा सप्टेंबर 1991 इंदिरा गांधीजींचा जेव्हा मृत्यू झाला त्यानंतर एसपीजी सुरक्षा अस्तित्वात आली, आणि जेव्हा ती अस्तित्वात आली तेव्हा असं ठरवण्यात आलं की गांधी परिवाराला अजीवन एसपीजी सुरक्षा देण्यात येईल आणि पंतप्रधानांना 5 वर्ष आणि त्याच्यानंतरचे 5 वर्ष असं ठरलं असताना सुद्धा आज मोदी सरकारने गांधी परिवाराला एवढा मोठा जीवाचा धोका असताना त्यांची एसपीजी सुरक्षा काढली। याआधी पण राजीव गांधींची सुरक्षा कमी केल्यानंतर राजीव गांधींची हत्या झाली होती। एवढं सगळं घडलं असताना सुद्धा आज परत मोदी सरकार जाणीवपूर्वक हे असं घडून आणते, त्यांचे जीवाला धोका असताना या असे निर्णय घेते, त्याबद्दल आम्ही इथे आज निषेध व्यक्त करण्यात आलेला आहे। आज इंडियन यूथ काँग्रेसच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी अख्ख्या जगभरात हे आंदोलन केलेलं आहे। काय सांगायचं, तुमची जी मागणी पूर्ण होते पुढचं पाऊल कसं असणार? जर आमची मागणी पूर्ण नाही झाली तर याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन आम्ही या अख्ख्या जगभरात छेडण्यात येतील।